Uh, back, नाजरीन. Money, refunded, क्या सिचुएशन है, है, तो है, है।, <laughs> है, है और उसके बाद लाइफ टाइम गारंटी ये भी बड़ी कॉमन अच्छा है। ये बड़ा चक्कर बड़ा हाँ, आपको लाइफ टाइम गारंटी किसकी मेरी लाइफ की हाँ. बेचने वाला ये नहीं कहता कि मैं अपनी लाइफ जब तक मैं सुनता हूँ जब तक मैं उस जॉब पे हूँ जॉब पे और मैं तुम्हें है लाइफ टाइम में कमिटमेंट जो देता हूँ लोगों को मैं हमेशा कहता हूँ

उसको कहते हैं प्रोमिनेंट गेन करने के लिए रिकग्निशन गेन करने के लिए फेम गेन करने के लिए अटेंशन गेन करने के लिए ऐसी बात कहता है अगर बच्चा कहे तो बच्चे को बाद में आप घर पे आके समझा दें क्योंकि बच्चे को घर पे अगर आपने वो, वो अटेंशन दिया है उसे ढूंढता जरूरत जरूरत तो है, तो वो, वो है, है। अच्छा, अलवीना ने कहा मेरी फ्रेंड है वो हमेशा सच बोलती है लेकिन घर वालों के साथ मतलब कहीं बाहर जा रही होती है घूमने फिरने तो अक्सर घर वालों से झूठ बोलती है तो उसका बाज दफ़ा घरों में सख्ती होती है राइट माँ बाप को एक तरबियत में एक चीज का ख्याल रखना चाहिए कि आप अपने बच्चे को कुछ आज़ादी दें मगर शर्त ये कि उससे पहले आपका बच्चे के साथ एक ऐसा रिश्ता ऐसा रिलेशनशिप हो जहां आपको अपनी औलाद पे भरपूर ट्रस्ट हो और उसको आप पर भी ट्रस्ट हो कि अगर कोई तो गलती करके आएगा तो आप उसकी बात सुनोगे और उसको एनालाइज़ करोगे जब आप ये कॉन्फिडेंस अपने बच्चे को देते हैं उसके बाद कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा सख्ती ना करें अगर आप आज सख्ती करेंगे कल आपका बच्चा छुप के करेगा झूठ बोलेगा और फिर दूसरी जूठ के बाद जो चीजें शुरू होती कल जो मैंने आपको वाक बताया था नबी करीम ने की जो बात थी कि उन्होंने किस तरह उस शख्स से कहा झूठ तो बोलना बंद कर दिया तो झूठ से शुरू होती है सारी बीमारियां सारी बुराइयां झूठ इज द मदर ऑफ ऑल इवल

पहले दिन की प्रोग्राम की बाजगश दिलो दिन में अभी तक कायम है आई, जो, जो जोश है। और वलवला मोहतरम जनाब डॉक्टर मही साहब आप में देखा और हाजरी ने क्राम में सवाल करने की जो लगन देखी इस हवाले से एक मशहूर गाने का शेर याद आता है, जी जी, है। आज है महफिल जीत के काबिल शम्मा भी है परवाना पर्वान भी डॉक्टर मही साहब जैसी शख्सियात की शमे रोशन रहे तो अर्ज पाक में कभी अंधेरा नहीं हो सकता बहुत शुक्रिया मोहम्मद अकरम साहब जैसे परवाने इन शमो की रोशनी से फायदा होते हैं तो हम कभी भी अंधेरे में भटक नहीं सकते क्योंकि यही वो रास्ता है जो सच की जीत की तरफ जाता है और के हवाले से किसी ने वालेन का नुकता उठाया तो किसी ने मुआशरे को जिम्मेदार ठहराया किसी ने सियासत के तनाजर में लिया तो किसी ने मजहब के हवाले से सवाल किया बिल्कुल सही यहीं से मेरा एक सवाल निकलता है एक पलड़े में इन सब चीजों को डाल दें दूसरे पलड़े में अपने एहतसाब को तो मोहटम डॉक्टर साहब कौन सा पलड़ा भारी होगा बता दो तो ठीक है चले, थैंक यू। आ, 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 को ठीक है। हमारे साथ एक और कॉलर है आप वालेकुम बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ मुझे आपका कैसी है आप बहुत अच्छा लगता है जब आप कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है अच्छा असला बहुत शुक्रिया वाले कैसे हैं आप मैं अल्हदल्ला ठीक हूँ मेरा एक सवाल यह है कि अब तक शोहर अपनी बीवियों से झूठ बोलते हैं जैसे उन्हें कहीं पहुंचना होता है या लेकर जाना होता है तो वो कहते हैं वो नहीं पहुंच सकते हैं तो फिर वो उनको एक्सप्लेन ये करते हैं और एक नई कहानी से सुना देते हैं बना के बिल्कुल सही क्योंकि वो जो एक कहानी होती है वो यकीन झूठ होती है और वो जब दोबारा उस बात का जिक्र आता है तो वो एक नई कहानी सुनाते हैं इस तरह उनका झूठ पकड़ा जाता है ठीक है समझ यही आपकी बात जी बिल्कुल ठीक है शुक्रिया थैंक यू सो मच आपकी कॉल का और ये तो एक बहुत बड़ी एक सेइंग भी है कि अ अ गुड गुड लायर शुड हैव मेमोरी एज वेल अक्सर इंसान जो झूठ बोलता है अगर उसकी मेमोरी कमजोर है तो फौरन पकड़ा जाता है मैं तुम्हें बताऊँ इतने साल हो गए मेरे पास जब लोग आते हैं और कुछ सालों तक अगर आते हैं जब वो मेरे से इंटरेक्ट करते हैं मुझे पता है कहाँ कहाँ झूठ बोल रहा है और वो बेवकूफ लोग ये नहीं समझते कि जिस शख्स ने आपको सिखाया है कि लोगों का झूठ कैसे पकड़ा जाता है आप उसके सामने झूठ बोल रहे हो हाँ. मगर मैं फेस पर कभी भी किसी से नहीं कहता कि तुम झूठ बोल रहे हो मुझे हाँ. मैंने परख लिया एक आदमी को एक एनालाइज कर लिया हाँ. एक जगह एक मकाम पर अपने जहन में रख लिया कि ये शख्स झूठ बोलता है सही. आदतन तो अजीब और गरीब बात है कि माशरे के अंदर लोग झूठ बोलते हैं और मेमोरी उनकी इतनी खराब होती है कि कुछ दिनों के बाद मिलते हैं तो पता चला वो जो बात कही थी वो गलत थी उनको खुद ही नहीं पता होता नहीं नहीं दे हाँ, हाँ. कि आपकी इंसल्ट उधर ही आती है तो या तो मेमरी अच्छी रखें झूठ तो ना बोला अच्छा मोहम्मद अकरम साहब ने बात की है जिसको ये कहते हैं कि अपनी जात का हिसाब किताब करना आ, अगर आप उसको रखें तो जो पलरा भारी होगा वह का होगा। अच्छा। तो हमेशा याद रखिए। दुनिया की कोई भी बात हम करेंगे इंसान अगर अपना अंदर एनालाइज करता रहे अपने आप को तो फिर एक्सटर्नल सिचुएशन या forces, उसे नहीं करेंगे झूठ बोलने के लिए

और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बच्चों के लिए दे उसके अलावा कोई और नुस्खा है देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बता दूं जो मैंने बड़ी एक्सटेंसिवली यूज़ की है और मैंने बड़े अमेजिंग रिजल्ट देखे <coughs> वो है स्टोरी टेलिंग स्टोरी टेलिंग में मेरी आदत थी अ, अली मुर्तज़ा जब छोटे थे तो मैं उनके साथ बैठ के पलंग पे कहानियाँ सुना कहानिया था, था। सुनाते थे उस कहानियों के अंदर मैं वो पैगाम बच्चों का देता था कि जिसकी वजह से माशा अलहदुल्ल का करम है कि बड़े कामयाब है आज अली और मुर्तजा दोनों बहुत कामयाब है अब वो कहानी का मतलब ये कि मैंने एक वक्त उनके साथ गुजारा और मैंने उनको कोई ऐसे पैगाम दिए जो इम्बेडिड थे ठीक शुगर कोटेड थे डायरेक्ट आप कहेंगे झूठ मत बोलो तो बच्चा रिजेक्ट कर सकता है एक, ए, एक उसकी विजुअलाइजेशन के थ्रू एक आपने शुगर कोटेड इम्बेडेड कमांड, कमांड उनके में प्रोग्राम कर दी दैट्स व्हाट ट्राइंग टू से अच्छा असद साहब ने सरगोदा से पूछा कि मीडिया जिस तरह पोलिटिशियस को अभी दिखाता है तो ये रोज एक नया वादा रोज एक नई सोच हम अपनी को देखते हैं और वो एट द झूठ होता है है तो उसका क्या है? मुझे सच्ची बात मुझे इस बात पर अफसोस नहीं कि हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन झूठ बोलते हैं मुझे अफसोस इस बात पे और दुख इस बात पे कि सुनने वाला झूठों को देखकर फिर भी नहीं समझता कि वो हैं यानी इनकी कम अकली पर इनकी बेवकूफी पर मातम करने को जी चाहता है दुख होता है अपने हाथ से अपनी औलाद का मुस्तकबिल तबाह कर रहे अपना तो हो गया तबाह आने वाली नस्ल का क्या होगा हमने जो मंडे को प्रोग्राम किया था लपे आती है दुआ जो मैंने इसलिए पढ़वाया था कि हम में से अक्सर आजकल के जो बच्चे हैं उनको पता भी नहीं है नजम क्या होती थी हम अपनी स्कूल में पढ़ते थे ये नजम तुमने देखा सिनेमा हाउसेज में किसी ज़माने में कौमी तराना होता था स्टार्ट से फिल्म से पहले हर आदमी खड़ा होता था आज अव्वल तो होता नहीं सिनेमा में अगर है तो आधे से ज्यादा खड़े ही नहीं होते, होते। तराने की अजमत और एहतराम लोग खड़े नहीं खड़े नहीं होते आप सिर्फ बोलने से नहीं वी आप पाकिस्तानी और आए ओन पाकिस्तान से कोई पाकिस्तान को ओन नहीं करता आप बताइए इस्लामाबाद में जब मूवी देख रहे थे तो सब बैठे हुए हैं मतलब खड़े हुए मतलब कौमी तराना आधे लोग खड़े हुए आधे नहीं खड़े हुए एक बाप बेटा था अपने पॉपकॉर्न संभाल रहा है बाप उसके पॉपकॉर्न को तो पाओ निकल ही तो, तो नहीं सकता उसके ना, पे नहीं हुआ था सबको बाद में शर्म भी नहीं आई शर्मिंदगी भी नहीं हुई मैं खड़ा हूँ तो ये मुझे अफसोस पॉलिटिशियन पे नहीं है देखे बुरा आदमी बुरा है ठीक है ना वो है बुरा अच्छा आदमी अच्छा है झूठा झूठा है सच्चा सच्चा है अब इनमें से जो हैं वो हैं जो सच्चे सच्चे अफसोस तो इस कौम की अकल पर मातम करने को जी चाहता है कि जानते हैं कि इतने सालों में क्या क्या कहा गया, क्या क्या कहा गया गया किया उसके बावजूद तुम देख लेना फिर ये कौम जो है वो वैसी की तरह उसी रास्ते वैसी की, है। वैसी की तरफ हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक में झूठ बोलने वाला अकल में नहीं होता झूठ को समझने के बाद भी उसको पीने वाला बेवकूफ जरूर होता है हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक आप देखते रहिए डॉक्टर